अस्सलामुअलैकुम प्यारी सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सना सफीनाज ईद कलेक्शन का यहाँ पे खूबसूरत सा ये सूट है। जी हाँ, सॉरी, लग्जरी लॉन कलेक्शन है ये और इसका नंबर है 3B। तो जिससे चलते हैं, इसको अनपैकिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ कि ये जो सूट्स हैं ये 100% प्योर ओरिजिनल सूट्स हैं और इसको आप लोग डायरेक्ट भी sanasafinaz.com से जा करके बाय कर सकते हैं। अनस्टिच के लिए, स्टिचिंग के लिए सिस्टर आप लोग मुझे याद कर सकते हैं, यानी कि अजीमा शहजाद को, जो कि आपको ऑलरेडी इतनी मेहनत करके मैं आपको हर एक सूट जो है वो खोल खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो इस सूट का खूबसूरत सा नेट का दुपट्टा दिया हुआ है इन्होंने सना सफीनाज वालों ने, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए खूबसूरत सी, इसके अंदर ये पिक्सलेट एम्ब्रॉयडरी जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, येलो भी है, लाइन येलो भी है, लाइट पर्पल, प्लम कलर और ग्रीन कलर जो है, खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी जो है इसके दोनों माथा पट्टीज के ऊपर जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो इसका बीच का एरिया है और जो इसके साइड के एरिया है, इसके अंदर भी खूबसूरत सी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे खूबसूरत सी वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी जो है वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अच्छा जनाब, इस सूट के दुपट्टे के अलावा भी, जो इतना सारा भरा हुआ है, इसके अलावा भी इस सूट में तस्वीर में मॉडल ने यहाँ पे येलो कलर की पाइपिंग लगाई हुई है और वाइट कलर के मोती लगाए हुए हैं और बिल्कुल इसी स्टाइल में हमारा टेलर भी आप लोगों के लिए स्टिच करेगा। तो उसके लिए आपने सिर्फ इतना करना है सिस्टर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल को, ताकि जैसी ही इसकी स्टिच की वीडियो आए वो भी मैं आपको शेयर कर सकूँ। यहाँ पे ये जो पीस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये खूबसूरत सी स्लीव जो है वो लॉन की स्लीव है और यहाँ पे खूबसूरत सा जो है वाइट कलर का, एश वाइट कलर का जो है यहाँ पे खूबसूरत सी ब्लॉक प्रिंट की यहाँ पे प्रिंटिंग की हुई है। जनाब ये जो है इसकी स्लीव जो है यहाँ पे काफी सादा है, जबकि इसके बरक्स जो इसकी शर्ट पीस है, ये देखिएगा, ये है इस सूट की खूबसूरत सी शर्ट पीस, लॉन की ये शर्ट है और इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो सब का सब यहाँ से जो है वो शिफली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जी हाँ, यहाँ पे सारा सारा होल हुए हैं फ्रंट के ऊपर, गले के ऊपर, जिसके पीछे जो है वो लेस लगाई जाएगी, लाइनिंग लगाई जाएगी और यहाँ पे ये सादा सा कपड़ा है, लॉन का कपड़ा है, इसके ऊपर जो है खूबसूरत सी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो है, मोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी जो है अब की दफा सना सफीनाज की तरफ से आई है और डाउन साइड के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि खूबसूरत सा यहाँ पे जो दामन बना हुआ है, ये दामन भी जो है खूबसूरत सा जो है वो कटवर्क के साथ ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा रही हूँ। जी हाँ, ये जो इन्होंने अपने इस सूट के साथ ये एक और बंच दिया हुआ है, ये बंच जो है ये कट कटा करके जो है एप्लिक होगा, आपके गले के ऊपर आएगा और पीछे से जाकर के ये ऐसे जुड़ जाएगा। इसके अलावा ये जो दो फ्लावर्स दिए हुए हैं, ये दो फ्लावर्स आपके अपने ऊपर हैं कि इस शर्ट के अंदर आप कहाँ पे लगाना चाहती हैं। ठीक है जनाब, ये है वो पीस भी दिखा दिया मैंने आपको, शर्ट का फ्रंट भी दिखा दिया, स्लीव भी दिखा दी। अब बारी आती है इसके बैक पीस की। बैक पीस जो है वो है इसका लॉन का पीस, ये देखिए खूबसूरत सा ये इसका लॉन का पीस है और इसके ऊपर भी सिस्टर आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर का इसका ये लॉन का पीस है, इसके ऊपर एश वाइट कलर से खूबसूरत सी प्रिंटिंग जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो हुई भी है। ठीक है जनाब, अच्छा लास्ट एंड फाइनल पीस जो है वो आ रहा है इस सूट का, वो आ रहा है इस सूट का खूबसूरत सा ट्राउजर का कपड़ा। ट्राउजर के कपड़े के ऊपर भी सिस्टर व्हाइट कलर का, सॉरी ऑफ व्हाइट कलर का ये खूबसूरत सा पीस है, इसके ऊपर एश व्हाइट कलर से ही सारी सारी प्रिंटिंग हुई हुई है और प्रिंटिंग के साथ साथ डाउन साइड के अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि खूबसूरत सा यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप जो है वो भी बना हुआ है, खूबसूरत सा ये बॉर्डर है और ये जो है बॉर्डर इसका पूरा राउंड घूमेगा इसके पैंचे के ऊपर और पैंचे के ऊपर जाकर के ये खूबसूरत सा पैच बनाएगा। तो सिस्टर ये थी वो कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगी, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही सूट जो है मैं आपको स्टिच फॉर्म में भी जरूर दिखाऊंगी।